के डर डर के नहीं, सामने से वार करना होगा। जो भी रास्ते में आए उसे काट डालेंगे। तो फाइनली दोस्तों, इंडियन बॉक्स ऑफिस और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स के झंडे गाड़ रही और बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी ट्रिपल आर की तारीफों के पुल बांधते हुए अब बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी पीछे हटते नजर नहीं आ रहे हैं। वो भी दोस्तों इस फिल्म की तारीफें करते हुए इस फिल्म को इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे हफ्ते भी जिस तरह की शानदार ओपनिंग मिल चुकी है, उसके बाद दोस्तों बॉलीवुड की सभी सुपरस्टार्स भी मिल जाए तो इस फिल्म के रिकॉर्ड्स को नहीं तोड़ सकते। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आर के शुरुआती 9 दिनों के इंडिया और वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में और जानने वाले हैं दोस्तों कि इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज कितने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी जूनियर एनटीआर, रामचरण और अजय देवगन सर के डाहट फैन से और उनकी फिल्म ट्रिपल आर को देख चुके हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों SS राजामौली सर के डायरेक्शन में बनने वाली एक बेहतरीन एक्शन और विजुअली फिल्म है ट्रिपल आर, जिसके लीड में आपको एनटीआर, रामचरण, अजय देवगन, आलिया भट्ट, श्रेया शरण और कई सारे बेहतरीन एक्टर्स नजर आए हैं। दोस्तों लगभग 450 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट के साथ बनाई गई यह एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म थी, जिसे कि बॉक्स ऑफिस पर 10,000 स्क्रीन पर इस हफ्ते दुनिया भर में रिलीज किया गया। इस फिल्म का दोस्तों ऑडियंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म की अनाउंसमेंट तो पिछले 5 सालों पहले ही हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों जब से इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच में एक्साइटमेंट थी, क्योंकि बाहुबली 2 के बाद ट्रिपल आर ऐसी फिल्म थी जिसे कि SS राजामौली सर डायरेक्ट कर रहे थे। और यकीन मानिए दोस्तों, इस फिल्म से ऑडियंस की जो उम्मीदें थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर यह फिल्म उन सभी को लगी है और बॉक्स ऑफिस पर सभी रिकॉर्ड्स तोड़ती हुई नजर आ रही है। अपने पहले ही दिन दोस्तों 223 करोड़ रुपए की ब्लॉकबस्टर ओपनिंग लेने वाली इस फिल्म ने शुरुआती 3 ही दिनों में 500 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर दिया और दिखा दिया दोस्तों कि यह फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर है। और इंडियन फिल्में भी दुनिया भर में 500 करोड़ रुपए की कमाई एक एक या दो दो दिनों में करने वाली है। दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म को ऑडियंस पसंद कर रही है, क्रिटिक्स ने भी काफी अच्छे रिव्यूज इस फिल्म को दिए हैं। साथ ही साथ दोस्तों अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म धमाकेदार कमाई करते हुए रुकने का नाम नहीं ले रही। अपने फर्स्ट वीक में ही दोस्तों इस फिल्म ने अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर दिया, जो कि एक तरह से हिस्टोरिकल कलेक्शन है। और अगर बात की जाए इस फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों शुरुआती 3 दिनों में 500 करोड़ की कमाई करने वाली इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में दुनिया भर से 730 करोड़ रुपए की ब्लॉकबस्टर कमाई की है, जो कि एक तरह से हिस्टोरिक कलेक्शन है और बाहुबली 2 के बाद किसी भी इंडियन फिल्म के लिए अब तक की सबसे ज्यादा कमाई है। इस फिल्म ने दोस्तों अपने पहले ही हफ्ते में बॉलीवुड की सभी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया और दोस्तों दंगल, PK, सुल्तान जितनी भी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में बॉलीवुड की हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नाड़ा और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर चुकी है, उन सभी को इस फिल्म ने पीछे छोड़ दिया है। साथ ही साथ दोस्तों अपने पहले हफ्ते में इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक रोबोट 2.0 के भी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। और अगर बात की जाए इस फिल्म के सेकंड वीक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों अपने दूसरे हफ्ते भी इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी पसंद किया जा रहा है। स्पेशली दोस्तों ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों तेलुगु में भी इस फिल्म के अपने दूसरे हफ्ते के जो कलेक्शंस निकल कर आ रहे हैं वो काफी शानदार है। इस फिल्म को दोस्तों अपने 8वें दिन दुनिया भर में लगभग 6,000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है और दोस्तों इन 6,000 स्क्रीन्स पर इस फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर ही अपने 8वें दिन 12 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की है। तेलुगु में दोस्तों इस फिल्म के 8वें दिन की कमाई 8 करोड़ रुपए की है। वहीं दोस्तों दुनिया भर से इस फिल्म ने अपने 8वें दिन टोटल 40 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिससे कि इस फिल्म का शुरुआती 8 दिनों का कलेक्शन 770 करोड़ रुपए का हो चुका था। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के आज अपने 9वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों आज सिर्फ हैदराबाद सिटी से ही इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो 4 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। हिंदी बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की आज की जो एडवांस है वो 5 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। वहीं दोस्तों तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की आज की जो टोटल एडवांस है वो टोटल 8 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि जो फिल्म अपने 9वें दिन भी 15 करोड़ से ज्यादा एडवांस हासिल कर रही है, वो फिल्म अपने 9वें दिन बॉक्स ऑफिस पर क्या रिकॉर्ड्स बना देगी। दोस्तों आज की इस फिल्म की जो मॉर्निंग ऑक्युपेंसी है वो कल से डबल है और ये फिल्म आज अपने 9वें दिन दुनिया भर से 50 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार करती हुई नजर आ रही है। इसमें दोस्तों इस फिल्म का हिंदी से अपने 9वें दिन का कलेक्शन 16 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रहा है और तेलुगु से ये फिल्म आज अपने 9वें दिन 18 करोड़ रुपए की कमाई
कमाई कर रही है, यानी कि टोटल 34 करोड़ रुपए की कमाई तो ये फिल्म सिर्फ दो ही भाषाओं में कर रही है। इसी के साथ इस फिल्म का दुनिया भर में जो टोटल कलेक्शन है वो दुनिया भर में 820 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। और इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन चुकी होगी। और बॉलीवुड तो दोस्तों इतने करोड़ की कमाई करने की सोच भी नहीं सकता जितनी कमाई यहाँ पर साउथ फिल्में सिर्फ अपने 8 या 10 दिनों में ही कर रही है। आपको दोस्तों ये फिल्म कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और क्या लगता है दोस्तों, क्या ये फिल्म 1000 करोड़ रुपए के आंकड़े को इस हफ्ते पार कर पाएगी या नहीं, हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।